अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सब होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो मैं यहाँ आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ रेसिपीज शेयर करूँगी घर की रूटीन शेयर करूँगी और कुछ होगी गप शप तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहाँ पर मैं फ़्राइड राइस बना रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने कट कर लिए थे रेडी कर लिए थे और राइस भी मैंने बॉयल कर लिए थे एक साइड पे मैं वेजेस जो है फ्राई कर रही हूँ और दूसरी साइड पे आलू चिप्स फ्राई कर रही हूँ क्योंकि सुबहानली के बाबा कहते थे कि फ्राइड राइस में पोटैटो भी डालो बट वो उनके अगर मैं इन वेजिस के साथ डालती तो राइस जो है ना वो मीठे हो जाने थे तो इसलिए मैंने ना सेपरेट चिप्स बना के फ्राई करके और दम जब बनाऊंगी चावलों के लिए दम के लिए रखूँगी चावल फिर उसके ऊपर जो है ना गार्निश कर दूंगी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ और चावलों को दम दे दूंगी तो यहाँ पे हमारी ये रेडी हो रही है स्टफिंग सारी राइस की जब सारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी और मैं चावलों को दम पे लगा दूँगी तो आजकल मैं कहाँ थी मैं आपको कुछ गपशप में बताऊँगी शेयर करूँगी आपके साथ आजकल मेरी महानूर की तबीयत बहुत ज़्यादा पिछले डेज में ख़राब थी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी टेंशन थी अपनी बच्ची की तो इस वजह से अच्छे से मैं अपने माइंड से सेटिस्फाई नहीं थी इस वजह से मैंने अपनी वीडियो भी जो है ना वो अपलोड नहीं की व्लॉग नहीं बनाया वीडियो भी अपलोड नहीं की बट जो है ना मैं साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप जो है ना वो शूट करती रही हूँ व्यू बनाती रही हूँ आपके लिए मैंने सोचा कि जब महानू ठीक हो जाएगी मेरा माइंड भी अच्छे से सेट हो जाएगा फ़्री हो जाऊंगी बिल्कुल फिर मैं आपसे हर डेज की रूटीन शेयर कर शेयर कर लूँगी तो ये मैं फर्स्ट डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे मौसम बहुत अच्छा था तो सुबह के बाबा कहते फ्राइड राइस बना लो साथ में तो मैंने सोचा चले ठीक है और साथ में स्वीट डिश की भी फरमाइश आ गई तो जनाब हम वो भी बनाएंगे वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं क्या बनाऊँगी तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं वेजीज़ फ्राई हो गई हैं इसमें चिली सॉस सोया सॉस सिरका वन वन टी जाएगा ब्लैक पेपर जाएगी नमक जाएगा रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके फिर इसमें मैं राइस डाल दूँगी अच्छा यहाँ पे मैंने चिकन भी लिया था चिकन को बॉईल करके अच्छे से श्रेड कर लिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है इसको भी मिक्स करके जब ये सब सारे इंग्रेडियंट्स मिक्सअप हो जाएंगे फिर इसके अंदर मैं राइस ऐड कर दूँगी अब अलहमदिल्ला मेरी बच्ची ठीक है अल्लाह के फ़लो करम से बहुत सेहत अच्छी है आ, मैंने डॉक्टर चेंज किया है फिर बच्ची को जो है ना ज़रा सेहत दी है अल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरी बच्ची को शिफा दी है अल्लाह ताला ने सेहत दी सेहत याबी वाली ज़िंदगी दी है मेरी बच्ची को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आपकी दुआओं के साथ भरपूर ज़िंदगी इंजॉय कर रही है बट मेडिसन तो अभी चल रही है ट्रीटमेंट भी चल रहा है बच्ची का तो चेकअप करवाने जाऊंगी कुछ डेज़ में फिर क्योंकि उन्होंने जो है ना वन वन सिरप एडवाइस किया था फोर सिरप थे और वो कहते थे कि ये जो है ना ये कंप्लीट करके फिर बच्ची का चेकअप करवाइएगा तो यहाँ मैंने राइस डाल दिए हैं अब इसको दम पे लगा दूँगी राइस को टमाटर मैंने वेजेस के साथ नहीं डाले टमाटर मैं दम के साथ जो है ना ऐड करूँगी ऊपर गार्निश कर दूँगी हरी मिर्ची टमाटर आ, हरा धनिया और ऊपर से चिप्स की गार्निश कर दूंगी फिर फूड कलर ऐड करके इसको दम पे राइस को लगा दूंगी चलें जी अब टमाटर मैंने गार्निश कर दिए हरी मिर्च भी डाल दी क्योंकि हरी मिर्च जो है ना ये मेरी हर जो डिश में है ना ऐड होती है क्योंकि आपको पता है मेरी फैमिली में हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ होती है बहुत पसंद से खाते हैं बच्चे भी मेरे हस्बैंड भी तो इसलिए मेरी तवज्जो होती है कि मैं हरी मिर्च जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्ज़ी में राइस में ऐड करूँ चलें जी अब चिप्स की गार्निश हो गई है फूड कलर भी डाल दिया है अब इसको हम रख देंगे दम के लिए तो आ जाते हैं जनाब अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चले जी दम पे उतर गए राइस यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले कलरफुल बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े के बने थे फ़्राइड राइस हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे और तारीफ़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वीट डिश में चाहे आप उसे ट्राइफल कह दें चाहे आप उसे मैंगो कस्टर्ड बना लें चाहे आप उसे कस्टर्ड सवैयाँ कह दें जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं वही सब चलेगा तो यहाँ पे मैंने दो बनाना ले लिए हैं वो कट कर रही हूँ दो मैंगो ले लिए हैं मैंगो मुझे जो है ना इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैंगो का कम लग रही थी फिर मैंने एक मैंगो और इसमें कट कर लिया था ये दो मैंगो की प्यूरी बना ली थी मैंने और जो ये तीसरा मैंगो मैंने लिया था उसके मैंने जंक्स कट करके वो उसके अंदर मैंने डाल दिए थे तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थिक नहीं बनाऊँगी ट्राइफल बस इतना सा बनाऊँगी कि अगर स्पून के साथ बाइट लेके एंजॉय कर सकें तो वैसे एंजॉय कर लें अगर गिलास में सीप के साथ एंजॉय कर सकें तो वैसे कर लें तो यहाँ मैंने तकरीबन चार टेबल स्पून बारिक सवैं के ले लिए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ में ही कस्टर्ड पाउडर सेपरेट जो है ना वो लिक्विड बना के वो भी इसमें ऐड कर दूँगी वो भी इसके अंदर जाएंगे टू एंड हाफ़ टी स्पून सॉरी टू एंड हाफ़ टेबल स्पून तो उधर वहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड वग़ैरह बन रहा है तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है आई मीन सेकेंड डे की यहाँ पे अंडा बना रही हूँ और महानूर कहती कि मम्मा अंडे के ऊपर जो है ना मुझे रोटी अटैच करके वो मुझे दे दो तो यहाँ पे मेरे पास ना मेयोनीज थी आज अवेलेबल और ना थी कैचअप क्योंकि इस इन इंग्रेडिएंट्स को कल ख़त्म हुए थे ये ना सुबह ली घर पर था ना और मेरे हस्बैंड थे जो मुझे ला कर देते तो बस मैंने रोटी बनाई रोटी बना के अंडा बनाया अंडे के ऊपर इसको अटैच कर दिया और बस बच्चियों को रेडी करके मैंने दे दी रोटी साथ में चाय का एक एक कप दे दिया है क्योंकि नाश्ते में इनकी चाय जो होती है ना वो मस्ट होती है अब महानूर को दे दूँगी सबाई ना लेके जा चुकी है तो यहाँ पे मेरा मन नहीं था नाश्ता करने के लिए मैंने सोचा चाय का कप तो पीना ही है साथ में अंडा खा लेती हूँ तो हल्की फुल्की जो है ना नाश्ते का नाश्ता हो जाएगा मेरा फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट कर दूँगी यहाँ पे मेरा अंडा बन चुका था आ, मेरी प्लेट रेडी हो रही है चाय की और अंडे की तो चाय इंजॉय कर लूँगी अंडा इंजॉय कर लूँगी खा लूँगी तो फिर इकरा को नाश्ता करवा दूँगी तो उतनी देर आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर कर लें सेट ताकि मेरे मज़े मज़े के व्लॉग आपको देखने के लिए मिल सकें और एक छोटा सा मुन्नू सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें हौसला अफजाई के लिए चलें जी तो चाहे मैंने पी ली थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूम में आई तो यहाँ पे महानूर और सबाइना मैम जो है वो साथ में डोरा देख रही हैं और नाश्ता एंजॉय हो रहा है तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी इकरा का नाश्ता बनाने के लिए इकरा का नाश्ता आज मैं दूंगी इसे बनाना बनाना को फॉक के साथ क्रश कर रही हूँ इसके अंदर दूध ऐड कर दूंगी और शेक टाइप लिक्विड बन जाएगा फिर वो इसका मैं इसे नाश्ता करवा दूंगी और सुबह अली भी गया हुआ था खाला माँ के घर अपनी गैम्बर तो उसकी वजह से भी मेरा दिल नहीं लगा मेरा दिल उदास उदास था तो मैंने कहा अगर दिल ही मेरा ठीक नहीं है तो मेरा वीडियो बनाने का क्या दिल करेगा बस कुछ इस वजह से भी मैंने वीडियोस नहीं ऐड की अपलोड की व्लॉग नहीं बनाया आ, बट व्यू जो है ना वो मैं शूट करती रही हूँ मैंने सोचा जैसे ही सुबह लिया आएगा ज़रा मेरा दिल ठीक हो जाएगा तो मैं ये भी जो है ना अपलोड कर दूँगी और कुछ हेल्प जो है ना अली साथ में मेरे करता है ब्लॉग एडिटिंग करने में तो यहाँ पर मानूर को मेडिसिन दे रही हूँ आपने मज़ीद मेरी बच्ची के लिए भरपूर दुआ करनी है कि ये जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है मेडिसन चल रही है ये भी ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला मेरी बच्ची को शिफा दे सुबहानली आ गया था माशाल्लाह अहमदुल्लह आज और साथ में उसकी खाला माँ भी आ गई थी और अनम गई हुई थी सुबहानली के साथ वो भी आ गई थी साथ में सिस्टर को ले लेके आए थे ये दोनों तो सिस्टर की जो है ना खातर तो हो रही है उसके आने की खुश आमदी खुश आमदी हम करेंगे मेहमान नवाजी करेंगे तो लींबू पानी मैंने बना लिया था और साथ में मैंने चाय का कप बना लिया था क्योंकि इतनी दूर से सफ़र करके आना था और हम तो चाय ही लाजमी पीते हैं फिर ही हमारी थकावट जो है ना उतरती है तो यहाँ पे मैं चिप्स बना रही थी चिप्स बना ली साथ में बिस्किट मैंने रेडी कर लिए और जल्दी से चिप्स बिस्किट और साथ में चाय का कप मैंने भी इंजॉय किया सिस्टर ने भी किया अनम ने भी किया सुबहली भी सफ़र का थका हुआ था हाफ़ कप मैंने उसे भी दे दिया तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए हाफिज।